हम सभी ने देखा है कि हाथरस की दलित बेटी के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई। भाजपा ने दलित की बेटी के न्याय की आवाज को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। बेटी के साथ बलात्कार के बाद हालत गंभीर होने के बाद भी 15 दिन तक दलित की बेटी को जिला अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि दलित कांग्रेस के हाथरस के जिला अध्यक्ष लगातार दिल्ली रेफर करने की मांग करते रहे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए कि FIR भी न लिखी जाए। न्याय की मांग को दबाने की कोशिश की गई एवं आरोपियों को पकड़ने में काफी समय लगाया गया। जब न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ और तमाम विपक्षी पार्टियां बेटी को न्याय दिलाने की मांग पर चुप्पी साधे बैठी रहीं, तब राहुल गांधी एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी ने हाथरस पहुंच परिवार से मिलकर न्याय की मांग की व 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की और कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के साथ अपने असंवैधानिक तरीकों को फिर भी जारी रखा। भाजपा के नेताओं व पूरी योगी सरकार ने मामले को गुमराह करने एवं आरोपियों को बचाने का कार्य जारी रखा। अभी 5 दिन पहले ही हाथरस मामले में CBI ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए 4 आरोपियों पर गैंग रेप, हत्या व ST/ST की धाराओं पर चार्जशीट दाखिल किया। यह चार्जशीट दलित समाज और प्रियंका गांधी जी के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है जिसको हम आखिर तक लड़ने को तैयार है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई के संघर्ष हेतु प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर दलित कांग्रेस 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में दलित संकल्प यात्रा करेंगे, ताकि हाथरस की दलित बेटी को पूर्ण रूप से न्याय मिल सके एवं दलितों की आवाज को बुलंद किया जा सके। हाँ, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाथरस में 5 दिन पहले CBI ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जो हाथरस में जो दलित लड़की थी उसके साथ जो बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसकी हत्या हुई, उस मामले में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि खाप पंचायत का मामला है और क्या कहते हैं कि किसी और भी मामले के तहत महिला बरी है, लड़की बरी है, लेकिन सच्चाई क्या था वो CBI ने सामने रखा है। किस तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हुई, जिसमें प्रदेश सरकार बिल्कुल अपना जो रोल था वो नहीं निभा पा रही थी, इस मामले का लिपापोती कर रही थी, लेकिन हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी इस मामले में हस्तक्षेप किए, पीड़िता के घर पहुंचे, 10 लाख की सहायता राशि भी दिया। यही नहीं, उन्होंने इस मामले को ऊपर तक लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश शासन के लोग किस तरह से हमारे नेता के ऊपर हमला किए, धक्का मुक्की किए, माननीय राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुआ, प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की हुआ, सबके बावजूद भी हमारे नेता इस मुद्दे को सक्रिय रहे और जिस तरह से इस हाथरस के मामले में कांग्रेस संकल्प होकर लड़ाई लड़ी है, हम उसी मामले को लेकर हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आप जैसे जान लें कि दलित महिलाओं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में जितना ग्रोथ हुआ है, जिस हिसाब से दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, विपक्ष शांत और मौन बैठी है। ऐसे में कांग्रेस इसमें मेन रोल में आके लड़ाई लड़ रही है। तो इसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम दलित संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में हम कल यानी दिनांक 24 दिसंबर को कॉल ले रहे हैं। देश भर में एक यात्रा हम निकालेंगे, दलित संकल्प यात्रा को लेके हम पूरा देश भर में ये पूरा एक यात्रा निकालेंगे। इसमें हम बनारस में मैं डॉक्टर अनूप श्रमिक, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, हमारे जिला महानगर अध्यक्ष आप रमेश कुमार जी हैं अनुसूचित जाति विभाग के, मुझे आदेश था कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम जानकारी देना चाहते हैं कि उत्तर अखंड भारत न्यूज के लिए विनोद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, वाराणसी।